फोर्थ पेपर है, एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, और यहाँ पर है यूनिट फर्स्ट इंग्लिश के बारे में बात देख करते हैं, यानी कि इवोल्यूशन। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन है ये थ्री स्टेज में होता है। एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ था, और दूसरा मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि फ्रेंच के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ था, और मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड जो है आफ्टर 1066 एडी। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ये जो है 1500 एडी के बाद में शुरू हुआ था, और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड यानी कि मॉडर्न इंग्लिश को आज हम लोग पढ़ते हैं। ओरिजिन डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंडिया में 1830 ईस्वी के दौरान जो है पब्लिक इंस्ट्रक्शन में आने लगी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इंडिया जो है आज वर्ल्ड के डाइवर्स रीजन्स में से एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है। 1835 में इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पर्शियन लैंग्वेज थी, तो अब पर्शियन को हटाकर 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, वो भी किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ओरिजिन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है डायलेक्ट एंड वोकैबुलरी ऑफ जर्मेनिक पीपल्स से होता है, जर्मेनिक पीपल के डायलेक्ट और वोकैबुलरी से। जब एंगल्स सैक्सॉन्स और जूट्स ये 5th सेंचुरी में ब्रिटेन में आए और यहीं पर आकर सेटल्ड हो गए, तब से जो है इंग्लिश का ओरिजिन माना जाता है। और इसके बाद देखिए इंग्लिश टू आज जो इंग्लिश एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंग्वेज बनी हुई है, जो कि डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के प्लीथोरा के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। मीन्स इसमें कई सारी लैंग्वेज भी इंक्लूड हुई हैं, कई सारे लैंग्वेज के शब्द पाए जाते हैं जैसे लैटिन, फ्रेंच, डच और अफ्रीकांस। इंग्लिश बात करें तो इंग्लिश की ओरिजिन जो है एंग्लिश से हुआ है, एंग्लिश जो कि एंगल्स की लैंग्वेज है, इससे जो है इंग्लिश वर्ड की ओरिजिन हुआ है। और जर्मेनिक ट्राइब्स में से जैसे जर्मेनिक ट्राइब्स तीन थी, एंग्लो सैक्सॉन्स और जूट्स, तो उनमें से बात किया जाए ये सब 5th सेंचुरी से ब्रिटेन में आए, इन्वाइटेड की यहाँ पर और कॉलोनाइज कर लिए, और यहाँ पर पहले रोमन इसके पहले राज करते थे, रोमन चले गए। फिर बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री जूट और एंगल्स और सेक्सॉन्स के माइग्रेशन के साथ में, ये जूट एंगल्स और सेक्सॉन्स ये जो जर्मनी और डेनमार्क से ब्रिटेन में 5th और 6th सेंचुरी में जब ये ब्रिटेन में आकर अपना माइग्रेशन कर ले, ब्रिटेन में माइग्रेशन हुए मीन्स ब्रिटेन में आकर रहने लगे, तब जो है यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री शुरू हुई। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 166 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में कई सारे फ्रेंच वर्ड इंक्लूड हुए, और ग्रीक और लैटिन वर्ड कब इंटर हुए, तो ग्रीक और लैटिन वर्ड जो है जब ग्रीक और लैटिन्स आए थे तो वहीं से इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन वर्ड 15th सेंचुरी के आसपास में इसमें बहुत ज़्यादा इंटर हुए। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश 1500 एडी के आसपास से मानी जाती है। अब इंडिया में इंग्लिश को डेवलप किसने किया, ये भी क्वेश्चन है, तो देखिए इंग्लिश को इंडिया में 1835 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और उस समय विलियम बेंटिंक का टेन्यूर चल रहा था, विलियम बेंटिंक का टेन्यूर जो टाइम पीरियड है 1828 टू 1835, और विलियम बेंटिंक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अब इसके बाद में यहीं पर यानी कि विलियम बेंटिंक के टेन्यूर के दौरान जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, थॉमस बेविंगटन मैकॉले के सजेशन पर, जैसा कि थॉमस बेविंगटन ने माइन्यूट ऑन इंडियन
एजुकेशन लिखा था 1835 में इनके सजेशन पे, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ और है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम इन इंडिया कंसीडर किया जाता है। और बात करें इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स या वोकैबलरी का, मेन मोस्ट वर्ड्स मोस्ट वोकैबलरी जर्मेनिक के हैं, अराउंड 70% वर्ड्स जो हैं टेक्स्ट में ओल्ड इंग्लिश के ही मिलते हैं। इंडिया में इंग्लिश के फादर, इंग्लिश सिस्टम के फादर कौन हैं, तो थॉमस बेबिंगटन जिनको लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, इनको जो है इंडिया में फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के सजेशन पर इंग्लिश सिस्टम का स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल लैंग्वेज के भी रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें, वन मिनट, हाँ यहाँ पर है, देखिए इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज और वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। पहला नंबर देखिए, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और 350 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में एक कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मीडियम बना हुआ है और इंग्लिश का डेवलपमेंट सेंचुरीज से होता आया है और ये हर कंट्री में एक अच्छा स्थान ग्रहण कर लिया है, मीन्स हर कंट्री में इसको यूज किया जाता है। इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में कई सारी कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और भी कई सारे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जहां पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहां पर इसको ऑफिशियल या सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे कौन से कंट्री हैं, फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, केन्या, युगांडो, जिम्बाब्वे, ये सारे हैं। अच्छा, इंग्लिश एक ग्लोबल इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों है, इसका कई सारा रीज़न, एक तो डोमिनेंट ऑफ यूएसए, ये कट गया है बट मैंने बोल दिया, डोमिनेंट ऑफ यूएसए, यूएसए जो कि एक पावरफुल नेशन है और एक तरह से हर बिजनेस के फील्ड में ग्लोबल लीडर का काम करता है, चाहे बिजनेस का फील्ड, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, इन सब के फील्ड में ग्लोबल लेवल का काम करता है। यहाँ पर इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है और इसलिए इंग्लिश को ग्लोबल या इंटरनेशनल के रूप में कंसीडर किया जाता है। दूसरा रीजन है कंसीडर एट यूएन एंड इसी यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं, इन सब में इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लैंग्वेज के रूप में। और इसके साथ में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में बात करें तो जितने एकेडमिक्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म्स, म्यूजिक, न्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर या बाकी सारे फील्ड में इंग्लिश को एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में ग्लोबली रूप से एक्सेप्ट किया जाता है। और इंग्लिश एक ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखा है, मीन्स ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जितने भी वर्ल्ड, जो ग्लोबल के बेस पर मार्केटिंग की बात किया जाए तो वो सारी ग्लोबल मार्केटिंग जो होती है इंग्लिश के थ्रू किया जाता है। और बिजनेस के लिए इंग्लिश एक कम्युनिकेशन मैंडेटरी के रूप में काम करता है और इंटरनेट की जो लैंग्वेज है वो भी तो इंग्लिश बेस्ड है, यानी कि वेब पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे लगभग इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं और इंटरनेट के पास जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही हैं, इसलिए भी इसका रीज़न है कि इंग्लिश को एक कंसिडर। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए
जितने MBA प्रोग्राम्स हैं वो सारे इंग्लिश में करवाए जाते हैं। कई सारे मल्टीटास्किंग कंपनी हैं जो कि इंग्लिश के एक सर्टेन डिग्री के बेस पर जो है जॉब को ऑफर करती हैं। और इसके साथ में अगर आप साइंस या मेडिसिन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश के बिना काम होने वाला नहीं है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जर्नलिस्ट या राइटर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तब भी यहाँ इंग्लिश एक यूजफुल स्किल है। इसके साथ में वर्ल्ड में एक ग्लोबल स्किल से देखा जाए तो इंग्लिश के एक बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीकर हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंग्लिश बोलने वाले हैं। अब वो चाहे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हों इसको या सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्लोबल लेवल से बहुत ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज बन गई है। इसके बाद में बात करें करंट वर्ल्ड में जो है, चाहे करियर हो चाहे एजुकेशन हो, दोनों फील्ड में इंग्लिश को सीखना ज़रूरी हो गया है। और इंग्लिश एक ऐसा तरीका है जो कि डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके बीच में एक जो है ब्रिज का काम करता है। जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप इंग्लिश की हेल्प से कहीं भी किसी भी स्टेट में घूम सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सारे स्टेट के बीच में एक जो है किस लैंग्वेज के रूप में काम करता है, एक तरह से कॉमन लैंग्वेज के रूप में वर्क कर रही है। अब यहाँ पर ओरिजिन ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज की बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद में बात करें तो इंग्लिश कई सारा रीजन है जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कई सारे देश, लगभग 104 कंट्रीज हैं, 104 कंट्रीज हैं जो कि इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करती हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलती हैं। 104 देश हैं जहां पर इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, और जहां पर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं किया जाता है वहां पर इसको बिजनेस या टूरिज्म के पर्पज से यूज किया जाता है। इसलिए इंग्लिश को बिजनेस लैंग्वेज के भी रूप में कंसिडर किया जाता है। और इसके साथ में इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में काम करता है, ग्लोबली रूप से कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में तो जानना ज़रूरी हो जाता है। इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, और इसलिए जो है यूरोप और वेस्टर्न एशिया में जो कि आइसलैंड टू इंडिया तक की पूरी जो है सब जगह इंग्लिश ने ही घेर रखा है, अपनी जगह मतलब मीन्स काफ़ी दूर दूर तक फैला है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टूडे हैज रिजल्टेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द डायलेक्ट बाई जर्मेनिक ट्राइब्स। देखिए ये इंग्लिश जो है जर्मेनिक ट्राइब्स के डायलेक्ट्स से ही इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। जब ये जर्मेनिक ट्राइब्स 5th और 6th सेंचुरी में क्रिश्चियन एरा में इंग्लैंड में आई थी तब उनका जो डायलेक्ट था इंग्लिश था, और वहीं से इंग्लिश की हिस्ट्री शुरुआत होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली में से लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच की लैंग्वेज है। देखिए इंग्लिश जो है ये किससे बिलोंग करती है, लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच से बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से। इस तरह से इसका जो डायलेक्ट है वेस्ट जर्मेनिक एरिया से ये इन्फ्लुएंस हुई है। और हिस्ट्री की बात करें तो ये वास्तव में 3 जर्मेनिक ट्राइब्स से शुरू हुआ। ये 3 जर्मेनिक ट्राइब्स ब्रिटेन में 5th और 6th सेंचुरी के दौरान ब्रिटेन में इन्वेड करके ब्रिटेन में सेटल हो गई। ये 3 जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, एंगल्स, सैक्सॉन्स और जूट्स हैं, और ये सब जो हैं नॉर्थ सी को क्रॉस करके आज जहाँ पर ब्रिटेन वहाँ पर आ गई। आगे देखिए यहाँ पर फिर आगे क्या होता है, जूट जो है ये आकर यहाँ पर सेटल हो गए। इसके साथ में एंगल्स
जो कि इंग्लैंड से आए थे और एंगल्स की लैंग्वेज थी इंग्लिश, इसलिए जो है ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड और उसकी जो है लैंग्वेज इंग्लिश पड़ी। इसका रीजन ये है। अब इंग्लिश के ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी हिस्ट्री जो है 3 पीरियड में, मीन्स इंग्लिश जो है 3 पीरियड में ग्रोथ करती है। एक है ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 एडी से 1150 एडी, दूसरा मिडिल इंग्लिश पीरियड 1150 से 1500 एडी, और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 एडी से अब तक। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है ये किससे इन्फ्लुएंस हुई है, तो जर्मेनिक ट्राइब्स से हुई है। मिडिल इंग्लिश ये फ्रेंच से हुई है, और मॉडर्न इंग्लिश ये मॉडर्न लैंग्वेज की है। इसके बाद में कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन्स में आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज किया जाता है, और इसके इम्पोर्टेंस के साथ में ये जो है डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया जाता है, सॉरी डिफरेंट कंट्रीज से के लोगों के द्वारा इसको यूज किया जाता है। फाइनली यही कहा जा सकता है कि फाइनली बिलीव और नॉट इंग्लिश कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, मतलब कुछ भी हो बिलीव करो या ना करो, लेकिन इंग्लिश को ह्यूमन लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन 3 पीरियड में है। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज सारा लिखा गया है। एक तो ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लुएंस बाय जर्मेनिक ट्राइब्स 450 एडी से 1150 एडी, मिडिल इंग्लिश ये फ्रेंच लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ था 1150 एडी से 1500 एडी, मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न लैंग्वेज 1500 एडी से अब तक। ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया की बात करें तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 दिस लैंग्वेज पब्लिक इंस्ट्रक्शन बिगेन इन इंडिया। देखिए इसको ऐसे समझिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1830 ईस्वी में यह लैंग्वेज पब्लिक इंस्ट्रक्शन के रूप में इंडिया में यूज किया जाने लगा, लेकिन 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो पहले पर्शियन लैंग्वेज होते थे, अब पर्शियन लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बना दिया गया। इसकी ओरिजिन की बात करें तो हैविंग इमर्ज्ड फ्रॉम डायलेक्ट्स एंड वोकैबुलरी ऑफ द जर्मेनिक पीपल, जर्मेनिक लोगों के डायलेक्ट और वोकैबुलरी जब ब्रिटेन में ब्रिटेन की लैंग्वेज के साथ इमर्ज हुई, तब वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री शुरू होती है। एंगल सेक्सॉन्स और जूट्स ये सब 5th सेंचुरी में ब्रिटेन में आकर सेटल हो गए, जहाँ पर एंग्लिश यानी कि लैंग्वेज ऑफ एंगल्स से इंग्लिश की ओरिजिन हुई, और एंग्लो सेक्सॉन्स के आने पर रोमन्स लेफ्ट हो गए यहाँ से, और इसके बाद ये पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने लगे। द माइग्रेशन ऑफ जूट एंगल्स एंड सेक्सॉन्स फ्रॉम जर्मनी एंड डेनमार्क ब्रिटेन इन द 5th एंड 6th सेंचुरी, इसी माइग्रेशन से यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री शुरू होती है, और जहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 से कई सारे फ्रेंच के वर्ड इंग्लिश में इंक्लूड हुए, ग्रीक और लैटिन वर्ड 5th सेंचुरी में आए, और मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश 1500 एडी के आसपास से शुरू हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में किसने डेवलप किया, सॉरी डिवाइडेड नहीं रहेगा, डेवलप किया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया में इंग्लिश 1835 के रूप में बनाई गई, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो भी किसके टेन्यूर में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 के दौरान में, किसके सजेशन पर, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशन पर इन्होंने एक बुक लिखी थी माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, और इसीलिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें
तो देखिए इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, आपको ध्यान से समझना। इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इंग्लिश इट विल क्रिएट कंट्रोवर्सी। ईच पर्सन कंसीडर्स हिज इंग्लिश टू बी स्टैंडर्ड बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड इट्स स्पेलिंग डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। द ऑथर सेज डेट थीम देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड स्पीच एंड स्टैंडर्डलाइज्ड स्पीच। इट इज आई इज ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म एट द सम टाइम बी आर आल्सो यूज इट इज मी। दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब जैसे यहाँ बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ लोग आई बोलते हैं और कुछ लोग वहीं आई की जगह पर बोलते हैं इट्स मी या इट इज मी, तो दोनों का मतलब तो वही है ना। लेकिन यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में कंसिडर इसको किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। आगे देखिए, हिस्टोरिकली चाइल्डर वॉज यूज एज प्लूरल फॉर चाइल्ड बट वी आर नॉट यूजिंग नावाडेज। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, चिल्ड्रन यूज करते हैं। इन मिडिल इंग्लिश पीरियड चौसर एंड हिज कंटेम्प्रोरी राइटर्स यूज टू राइट इन ईस्ट मिडलैंड प्रिंटेड वर्क्स द इन्वेंशनल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड इंग्लिश आर इंग्लिश एज स्टैंडर्ड। अब देखिए, जब ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो वहाँ से इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाने लगा। क्लियर है। यद्यपि इसका जो प्रोनंसिएशन है वो चेंज नहीं हो सका, है ना, उसको एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में बदला गया, लेकिन आज जो है डायलेक्ट है, डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, ठीक, वो कहीं ना कहीं हर कम्युनिकेशन के लिए जो डायलेक्ट यूज करते हैं सबकी डायलेक्ट अलग अलग होती है। बट दे आर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर ओनली सर्टेन डायलेक्ट विच आर यूज ऑफिशियली एंड फॉर प्रिंटिंग रिसीव प्रॉपर रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। लेकिन ये लोग सारे डायलेक्ट को, कुछ डायलेक्ट को इन्फीरियर समझते हैं, केवल कुछ ही डायलेक्ट हैं जिनको ये ऑफिशियली और एक प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वाज आल्सो स्पीक इन लंदन इन स्लाइट चेंज। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इंग्लिश टू बिकम स्टैंडर्ड। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी रेगुलेटेड द स्पेलिंग सिस्टम एंड फिक्स्ड इंग्लिश स्पेलिंग। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंग्लिश मीन्स व्हाट वी यूज इन एवरीडे स्पीच। स्टैंडर्ड इंग्लिश का मतलब हम अपने रोज की स्पीच में क्या बोलते हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश एट प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश ऑफ साउदर्न इंग्लैंड। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है प्रेजेंट टाइम में वो किस पर बेस है, तो साउदर्न इंग्लैंड के इंग्लिश पर, यानी कि साउदर्न इंग्लैंड की जो इंग्लिश है उसको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में यूज किया जाता है। लैंग्वेज विच इज यूज बाई एजुकेटेड क्लासेज एट द रीजन द डायलेक्ट ऑफ द साउथ इज यूज एंड कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस कंपेयर्ड टू नॉर्थ। इट इज बिकॉज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ कोर्ट गवर्नमेंट ट्रेड कॉमर्स फॉरेन ट्रेवल एट्सेट्रा। अब देखिए, इसको इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि ये कोर्ट ट्रेड और फॉरेन ट्रेवल इन सब जगहों पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्लोबली इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज वेल वर्स्ड इन दिस लैंग्वेज। इट इज प्रूव्ड बाई मैनी नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स डेट इंग्लिश इज एन एफिशियंट लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। मोर ओवर कंपेयर्ड टू अदर लैंग्वेज इंग्लिश इज ईजियर टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक चाइनीज द इंग्लिश अल्फाबेट हैज ओनली 26 लेटर्स डेट फॉर्म वर्ड्स एंड सेवरल इंग्लिश वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी सो नोइंग इंग्लिश इज नेसेसरी टू मेक द
बेस्ट यूज ऑफ द इंटरनेट. इट आल्सो मेक्स टूरिज्म इजी एज इट हेल्प्स बेटर अंडरस्टैंड द पीपल. आल्सो एनी इंटरनेशनल मीटिंग विल प्रोबेबली बी डन इन इंग्लिश. दिस एसे विल डिस्कस व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज. Why is English a global language? English is considered a global language because it is spoken and understood at an international level by a wide variety of the people. Globally, English has the most speakers who speak it either as a first or second language. We can see a strong link between dominance and cultural power in language. English as a language became famous because of its power base, whether political, economic or military. English language derivation occurred from German, Latin and the other European languages. Due to this, Europeans don't consider English a complex language to learn. Also, according to linguists, English became a global language due to its simplicity. English script in Latin appears less complicated to learn and recognized by people. Also, like other languages such as Turkish or Korean, English pronunciation is not so complex and is easy to understand. Generally, if we observe closely, the difficulty level of a particular language varies from person to person. It also depends on the culture the individual belongs to. For example, a person from Korea will find the Japanese language less complicated than a Britishers because of the similarities between Korean and Japanese cultures. The language English should not be alien or unknown to any community. Learning English was not a big deal during British rule, as most people from different cultures became familiar with the language. Next, यहाँ पर देखिए, education के field में English का use किया जाता है. Nowadays, a primary level to higher level education mostly uses English as the medium of instruction. The English language is considered a global language, so in most countries, education will be delivered in English. Students will read and write their field of interest in English. The English language will replace the arts, culture, and science stream of education. Next, रिसर्च के फील्ड में ग्लोबल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यू टू विच ऑल वेरिएशंस ऑफ रिसर्च बेस्ड एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन दिस लैंग्वेज साइंटिफिक टेक्निकल एंड मेडिकल रीजंस एंड सो ऑन टू एक्सेस नॉलेज. इन द मॉडर्न एरा ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अप्रोच द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन about the smallest things possible. So gradually, the English language has proved its strong presence globally and people have started to access related content written in English language. Informative sources, all kinds of information are available in it in the form of books, newspaper, specific topic based print content, etc. There are various resources available online as well and they can be accessed for free. Conclusion of the essay on English as a global language. English is the most helpful language globally and it's universal language. Status proves that fact learning anything new can be time consuming. However, irrespective of where you come from, learning English will open an array of opportunities for you. It's always good to learn a new language. English is the business language, so learning English will make the good and the more this. It's always good to learn a new language. English is the business language, so learning English will make the road ahead more accessible for you. If you want to start a business, we can safely say that learning English will add value to your with all that in mind.
नेक्स्ट यहाँ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंग्लिश कंसिडर्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज? द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, आल्सो दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इजी टू लर्न व्हेन कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? English is recognized as the official language in 67 different countries as well as in 27 non-sovereign entities. Who is the father of English language? Geoffrey Chaucer, born sometime between the years 1342-1344, is known to be the father of English language.